हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार, मैथ्स बाय नरेश जी सर क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस, जिसके अंदर हमारे पास पेपर थर्ड है डीई एंड एसएफ, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड स्पेशल फंक्शन, इसके अंदर आज हम यूनिट फर्स्ट में लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। ठीक है, इससे पहले हम इसमें 2 लेक्चर कर चुके हैं, जिसमें पहले लेक्चर में रिकाटी इक्वेशन और सेकंड लेक्चर में हमने रिकाटी इक्वेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन से को सॉल्व किया था। देखो, आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो जेपीएस की बुक में पेज 91 के ऊपर है। क्या है हमारे पास टॉपिक के अंदर, कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन से वेन वन पर्टिकुलर सोल्यूशन और नॉन। देखो, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन वेन वन पार्टिकुलर सोल्यूशन और नॉन, यानी हमें उसका एक विशेष हल पहले से पता है। तो कंडीशन फर्स्ट है, वेन वन पार्टिकुलर सोल्यूशन इज नाउन, वेन वन पार्टिकुलर सोल्यूशन इज नाउन। फिर केस सेकंड है, अगर हमारे को 2 पार्टिकुलर सोल्यूशन गिवन में दे दे। केस थर्ड है, वेन 3 पार्टिकुलर सोल्यूशन इज ए नॉन। ठीक है, तो आज सबसे पहले हम केस फर्स्ट लेके चलेंगे कि मेथड ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस इज ए नॉन। तो देखो, इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिखेंगे कि सिंस वी नो दैट रिकाटी इक्वेशंस इज गिवन बाई रिकाटी इक्वेशन इज ए गिवन बाई। देखो, सबसे पहले आपको पहचानना है कि हमारे पास सिंस वी नो दैट रिकाटी इक्वेशन इज गिवन बाई किस प्रकार से होती है। भाई, हमारे पास रिकाटी इक्वेशन लास्ट ईयर 2 लेक्चर के अंदर बताया था, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू पी प्लस क्यू एक्स। अगर यहाँ तक छोड़ोगे तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो आगे क्या लगाना होगा आपको, कैपिटल आर वाई स्क्वायर, जहाँ आप दिखाना होगा कि वेयर पी क्यू आर, कैपिटल पी क्यू एंड आर, आर फंक्शन ऑफ एक्स और ए कॉन्स्टेंट, एक्स और ए कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके नीचे जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स, तो ये पी क्यू आर या तो हमारे पास इस एक्स के फंक्शन होंगे या फिर ये हमारे पास कॉन्स्टेंट होंगे। ठीक है, अब हमें क्या किया है क्वेश्चन के अंदर कि वेन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज नॉन, यानी हम जानते हैं या हमको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन से दिया गया है। तो हमें यहाँ कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं दिया गया, इसलिए मैं लिखूंगा कि लेट वाई इज इक्वल टू पी एक्स। और देखो, कन्फ्यूज करने के लिए हम छोटा पी लेके चलेंगे, ऑलरेडी पी क्यू आर इसके अंदर है, तो हमने ले लिया लेट वाई इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स इज वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, इज वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, हमने माना कि y इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स, यानी इस y की जगह हम देखो यहाँ x नहीं भाई, यहाँ y करो, p प्लस क्यू वाई प्लस आर वाई स्क्वायर है, कि लेट y इज इक्वल टू पी एक्स इस इक्वेशन वन का एक पार्टिकुलर सोल्यूशन है। सो इट विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन वन, यानी अगर y इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स इसका एक हल है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो dy बटा dx आप क्या निकालोगे, तो p का हमारे पास बन जाएगा p1x वेयर p1 को आप लिखोगे स्मॉल p1 है भाई, ध्यान रखना ये क्या है हमारे पास है dpx by dx, यानी इसका अक्ष के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये कितना बचेगा dpx by dx, जिसको हम शॉर्ट में क्या लिखेंगे p1। तो आप 2 इक्वल की साइन की बजाय इसे 3 सिंगल से डिनोट कर दो। ठीक है, तो ये dy बटा dx इज इक्वल टू p1 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसको आप मान लो y इज इक्वल टू पी एक्स इसका सॉल्यूशन इक्वेशन 2 ले लें, और इसको आप क्या लेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो हम क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, यानी इसकी वैल्यू रखो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, p1 इज इक्वल टू कैपिटल P प्लस क्यू, y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई स्मॉल p, y की वैल्यू कितनी आ गई स्मॉल p प्लस आर वाई स्क्वायर, यानी स्मॉल p का होल स्क्वायर। और साथ साथ ये लिख दो कि हमारे पास ये स्मॉल p क्या है, एक्चुअली
ये पी इंटो अक्स का ही एक फलन है। इस पी एक्स को मैंने शॉर्ट में क्या लिख दिया, स्मॉल पी, यानी ये वाई इज इक्वल टू पी एक्स है। तो ये तो देखो कैपिटल पी है, कंफ्यूज मत हो जाना, ये कैपिटल पी प्लस क्यों वाई की जगह मेरे पास क्या है स्मॉल पी प्लस आर स्मॉल पी का होल स्क्वायर, और इसका डी वाई बाई डी एक्स क्या है मेरे पास पी वन आ गया। तो इस डी वाई बटा डी एक्स की जगह मैंने क्या रख लिया, पी वन रख लिया। तो कहने का मतलब यहां तक आपके पास हर बार क्या होगा, जब भी क्वेश्चन देगा रिकाटी इक्वेशन का, तो एक तो ये इक्वेशन वन आपको गिवन देगा और दूसरा y इज इक्वल टू पी एक्स इसका एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन से या तो हमें देगा या हमें उसके अंदर सर्च करना होगा इसका कौन सा पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हो सकता है। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो हमने लिख दिया कि लेट y इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स इज वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम आ गए इक्वेशन नंबर 4 तक। अब देखो यहाँ से फिर से ध्यान दो, अब हम लिखेंगे लेट y इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स। देखो ये तो इसका एक सॉल्यूशन है ही है, लेट y इज इक्वल टू स्मॉल पी एक्स। अब हम लिखेंगे प्लस वन अपॉन जेड, प्लस वन अपॉन जेड इज अनोदर सॉल्यूशन से, अनोदर सॉल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशंस, अनोदर सॉल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशन। हम क्या लिखेंगे, लेट y इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन बाई जेड, और इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 5 इज अनोदर सॉल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशंस। ये क्यों मान के चलेंगे, ये स्थिति अभी इस टॉपिक के लास्ट में क्लियर हो जाएगी। याद करो लेक्चर 1 के अंदर हमने y का एक सॉल्यूशन क्या लिए के लेके चले थे, हम माइनस का यू वन अपॉन कैपिटल आर इंटू यू। देखो रिकाटी इक्वेशंस को सोल्व करते हुए तुमने क्या लेके चले थे, y इज इक्वल टू माइनस यू वन अपॉन आर इंटू यू, क्योंकि ऐसा करने से हमारे पास क्या हो गई थी, ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है जो रिकाटी, वो सेकेंड ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई थी। ठीक इसी प्रकार इसका दूसरे सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि ये जो गिवन सोल्यूशन है पी एक्स, देखो ये जो गिवन सोल्यूशन है वन पर्टिकुलर सोल्यूशन इज गिवन लिख लो या नाउन लिख लो, तो ये हमारे पास क्या जाएगा पी एक्स, उसी के अंदर हमको वन अपॉन जेड ऐड करना होगा। ठीक है तो हम क्या लिखेंगे कि लेट वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई इज इक्वल टू पी एक्स प्लस वन बाई जेड इज अनोदर सॉल्यूशन। देखो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया, अगर इसके अंदर मैं एक बटा जेड ऐड कर दूं तो ये मेरे पास क्या जाएगा अनोदर सॉल्यूशन हो जाएगा, देन इट विल बी ऑल्सो सेटिस्फाई। तो अब इसका निकालो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका डी वाई बाई डी एक्स कितना बचेगा, पी का तो क्या बच जाएगा भाई पी वन, पी का तो हमारे पास क्या बचेगा स्मॉल पी वन, स्मॉल पी वन प्लस वन अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू जेड का क्या हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर से, यानी वन अपॉन एक्स का कितना होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो वन अपॉन जेड का माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, क्योंकि किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो ये मेरे पास अब की बार फिर से दूसरे सॉल्यूशंस के लिए, ध्यान देना अदर अनोदर सॉल्यूशंस के लिए y की वैल्यू आ गई और dy बटा dx की वैल्यू आ गई, जबकि पहले के अंदर y और dy बटा dx ही ये जो गिवन सॉल्यूशंस था इसके लिए था। तो अब हम क्या करेंगे, जो अनोदर सॉल्यूशन वाला y एंड dy बटा dx है इसकी वैल्यू उठाओ और इक्वेशन 1 के अंदर पुट करो। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड वैल्यू ऑफ स्मॉल y एंड dy वाई बाई डी एक्स, अनोदर सोल्यूशन की रखना है भाई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 एंड 3 में तो देखो पहले वाले सोल्यूशन की अब की बार हमें अनोदर सोल्यूशन की रखनी है। तो लेट पुटिंग द वैल्यू ऑफ y एंड dy वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 इन इक्वेशन 6 सॉरी इन इक्वेशन 1 वी गेट, इन इक्वेशंस 1 वी गेट। ठीक है तो हम क्या करेंगे कि ये वैल्यू यहाँ से शिफ्ट करेंगे इक्वेशंस 1 के अंदर। तो बताओ डी वाई बाई डी एक्स की जगह मैं क्या लिखूंगा पी वन, और देखो पी की बजाय कौन सा वन है भाई स्मॉल पी वन है, अगर आप ठीक से देख पा रहे हो तो कैपिटल पी वन मत कर देना, यहाँ डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू लिखें तो पी वन, और ये कितना बचेगा माइनस का 1 अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये है कैपिटल पी, देखो ध्यान से ये है कैपिटल पी प्लस क्यों वाई, प्लस क्यों वाई, और वाई का मान क्या है स्मॉल पी प्लस 1/z, देखो ध्यान से स्मॉल पी प्लस 1/z, पी एक्स लिखो या स्मॉल पी लिख के छोड़ दो, प्लस आर वाई स्क्वायर,
प्लस आर वाई स्क्वायर, वाई का मान फिर से क्या है, पी प्लस वन बाई जेड, पी प्लस वन बाई जेड का होल स्क्वायर, और ये स्मॉल पी है। ऐसा रखने पर हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पी वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू में पी प्लस क्यू इंटू वाई और क्यू आर इंटू वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू शिफ्टिंग करने के बाद आ गई, मतलब पहले एक सॉल्यूशन देगा उसको हमने सिंपल लिखा, फिर हमने सेकंड सॉल्यूशन को हम क्या कर देंगे, गिवन सॉल्यूशन के अंदर वन अपॉन जेड मान के चलना है। बस इस चैप्टर की कहानी इतनी सी है, इसके अंदर और कुछ भी नया मेथड से नहीं आने वाला है। तो अब देखो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, पी वन माइनस वन बाई जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल पी प्लस कैपिटल क्यू इंटू, ये आ गया। अब क्या मैं स्मॉल पी वन की वैल्यू यहाँ से रख लूँ, देखो स्मॉल पी वन की वैल्यू क्या है, पी प्लस क्यू पी प्लस आर पी स्क्वायर। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फॉर अबव इक्वेशन से, इन अबव इक्वेशन से वी सी दैट या वी गेट, देखो आप इसके नीचे लिखोगे ना आगे अपने कॉपी के अंदर, तो ये इसकी अबव इक्वेशन ही हो गई। तो P1 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, इसे P1 की जगह मैं क्या रखूँगा, कैपिटल P। तो अब की बार ये क्या है भाई, कैपिटल P प्लस कैपिटल क्यों P प्लस कैपिटल Q और स्मॉल P। देखो ध्यान से, ये तो क्या है मेरे पास कैपिटल P है और ये Q इंटू स्मॉल P है प्लस R इंटू स्मॉल P का स्क्वायर है, R इंटू स्मॉल P का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू तो आ गई P1 की, मैंने इधर शिफ्ट कर दी, माइनस इधर देखो ये ऐसा कैसा आगे लिखे ना, माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स, माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स। अब इसको भी साथ साथ सोल्व कर लो, इज इक्वल टू कैपिटल P, कैपिटल P क्यों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू पी प्लस क्यू वाई जेड, क्यू पी प्लस क्यू इंटू वन बाई जेड, क्यों इंटू वन बाई जेड प्लस, साथ साथ इसे सोल्व करो भाई, ये क्या है मेरे पास है कैपिटल R और इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू पी जेड मत कह देना, टू पी इंटू वन अपॉन जेड आएगा। तो ये साथ साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, कैपिटल R इंटू स्मॉल पी स्क्वायर प्लस कैपिटल R अपॉन जेड स्क्वायर प्लस R को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, टू कैपिटल R स्मॉल पी अपॉन जेड, देखो R इंटू पी स्क्वायर R अपॉन जेड स्क्वायर टू R स्मॉल पी अपॉन जेड। ठीक है, तो ऐसे आप वैल्यू शिफ्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, और ध्यान रखना बस यही ध्यान रखने वाली बात है कि इस P1 की वैल्यू भी साथ इक्वेशन 4 से रख लो। तो मैंने लिख दिया कि यूजिंग इक्वेशन 4 इन अबव इक्वेशन वी गेट, जो कटते हैं वो काटो P, QP और RP स्क्वायर, P, QP एंड RP स्क्वायर से हमारे पास कैंसिल हो गया। अब ये जेड स्क्वायर है, माइनस का जेड स्क्वायर साथ साथ इसी स्टेप में ले जाओ, आप खुद वीडियो की स्पीड बढ़ा के या वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व करो जितना होता है, उसके बाद आप इसके अंदर देखो, ऐसा करने पर क्या है कि आपकी साथ साथ प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके पास इतना ही टाइम बचा है एग्जाम के लिए। तो माइनस जेड स्क्वायर को इधर लेके जाओ तो ये कितना बचेगा मेरे पास है, डी जेड बाई डी एक्स, माइनस जेड स्क्वायर इधर जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का क्यू इंटू जेड, क्योंकि माइनस जेड स्क्वायर आएगा तो एक कैंसिल से, माइनस का जेड स्क्वायर जाएगा तो ये कितना बचेगा, माइनस का कैपिटल आर, और ये बचेगा माइनस का टू आर पी इंटू जेड, माइनस का टू आर पी इंटू जेड, या इसके अंदर जेड कॉमन ले लेके और इसको इस साइड में ले आता हूँ तो मेरे पास लास्ट इक्वेशन क्या आ गई, डी जेड बाई डी एक्स, ये इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस क्यू प्लस टू आर पी प्लस टू कैपिटल आर और ध्यान दो स्मॉल पी और इंटू में क्या आ गया, जेड, और इसको रहने दो बराबर में ही ऐसा का ऐसा। तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, डी जेड बाई डी एक्स प्लस कैपिटल क्यू प्लस टू आर पी इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस आर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है भाई, अब आप इसको थोड़ा सा पहचानो एक बार, ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की है, तो
तो देखो ये हमारे पास है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की। पहले याद करो फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है हमारे पास है, एक्चुअली हमारे पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यानी रेखीय अवकल समीकरण, जो आपका बीएससी सेकंड ईयर के अंदर पढ़ा हुआ है। वो क्या होता है भाई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। देखो याद करो एक बार, बीएससी सेकंड ईयर का जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये हमारे पास बहुत बार काम में आएगा, लगभग हर क्वेश्चन के अंदर काम में आएगा। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या रेखीय अवकल समीकरण, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। आप क्या करते हैं, इसका इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं, क्या आता है वो e की पावर पी एक्स इंटू डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन क्या आ जाता है y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन से क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स प्लस सी। ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन आता है। अब यहां देखो हमारे पास y की जगह क्या लिखा हुआ है, z लिखा हुआ है। देखो यहां y की जगह क्या लिखा हुआ है, z। तो अगर मैं y की जगह z करूं, x को x ही रहने दूं, प्लस y की जगह मैं z करूं, x को x ही रहने दूं और मैं x को x ही रहने दूं। अब मेरे पास बताओ, क्या ये मेरे पास x का फंक्शन है y के गुणांक में, यानी मेरे को ये चेक करना है क्या z के मल्टीप्लाई में x का फंक्शन है। तो बताओ दिए गए क्वेश्चन में q किसका फलन है, x का, r भी किसका फलन है, x का, और ये स्मॉल p क्या है, वास्तव में p इंटू x। तो बताओ ये x का फलन हो गया कि नहीं हो गया, यानी इसे dx का है। ये r भी हमारे पास क्या है, x का फलन है कि नहीं, तो यहाँ हमारे पास एक प्रकार से रख सकते हैं माइनस आर इसकी वैल्यू आ गई, ये भी क्या है इसका एक्स का फंक्शन है। तो मतलब वाई की जगह केवल क्या आ गया, जेड आ गया, बाकी हमारे पास ये क्या बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे, ये इक्वेशन शायद 5, 6, 7 इक्वेशंस हो गई। तो क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन सेवन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। और आप लिखो तो लिख दो, नहीं लिखो तो इतना छोड़ दो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, या ऐसे भी लिख दो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर। सो इंटीग्रल फैक्टर तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आई एफ। भाई इंटीग्रल फैक्टर का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास है, इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन, मतलब y का कोफिशियंट, तो यहाँ किसका कोफिशियंट, z का कोफिशियंट कितना आ जाएगा, q प्लस 2 कैपिटल R इंटू स्मॉल p इंटू में dx इंटू में dx एंड सॉल्यूशंस ऑफ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन 7 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सेवन इज गिवन बाई। और इसका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से दिया जाएगा, y इंटू आई एफ, और y की जगह क्या है हमारे पास z, तो z इंटू आई एफ इंटीग्रेशन से क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास बिल्कुल बीएससी सेकंड ईयर की जो आप पढ़ते थे रेखीय अवकल समीकरण, ये क्वेश्चंस उसके अंदर चेंज हो जाएगा और ये हमारे पास उसका क्या आ जाएगा, गिवन सॉल्यूशन से आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसके अंदर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन से, और ये सॉल्यूशन से मैं देखो पहचानो क्यू एक्स हमारे पास क्या है, माइनस आर है जो क्वेश्चन के अंदर देगा, ये भी क्यों भी क्वेश्चन में देगा, आर भी क्वेश्चन में देगा, स्मॉल पी क्या है भाई, देखो ध्यान दो स्मॉल p क्या है हमारे पास है? तो हम लिखेंगे वेयर स्मॉल p, या इसके अंदर लिखोगे कि वेयर ये जो स्मॉल p है, स्मॉल p इज गिवन वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन, स्मॉल p इज गिवन वन पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो हमारे पास एक्चुअली ये स्मॉल p क्या है, जो क्वेश्चन में हमें एक सॉल्यूशन देगा वही हमारे पास स्मॉल p आएगा। और ये प्रोसेस कब आई, जब हमने इस दिए गए p के अंदर 1/z ऐड किया। तो आपको ये प्रोसेस बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है कि जब जब हमें क्वेश्चन के अंदर एक सॉल्यूशन देगा
तो हम उसके अंदर 1/z जोड़ के बोलेंगे ये दूसरा सॉल्यूशन है, और स्टेप बाय स्टेप चलते आएंगे, यहाँ आके अपना आंसर से सॉल्व हो जाएगा, यहाँ आके अपना आंसर से सॉल्व हो जाएगा, जेड इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो इस लेक्चर में स्टार्टिंग से लेके इसकी जो प्रोसेस है वही प्रोसेस हम क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब जब हमें वन गिवन सॉल्यूशन हो उस कंडीशन में हम 1/z ऐड क्लिक करेंगे और लिखेंगे दिस इज अनदर सॉल्यूशन, और इसको सेटिस्फाई करवा के और यहाँ हमारे पास आंसर, देखो क्वेश्चन में इसकी पी क्यू आर की वैल्यू देगा तो हमारे पास इसका आगे सॉल्यूशन से ही निकल आएगा। इसमें हम सॉल्यूशन से एक बार ऐसा ही छोड़ देंगे, ठीक है भाई, नोट करो इसे। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चंस नंबर 2 है जेपीएच की बुक में पेज 97 के ऊपर, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चंस हमारे पास है कि सो दैट टेन एक्स इज वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशंस इन द फॉर्म, यानी ये हमें आंसर लेके आना है, और ये कैपिटल सी क्या है, ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो सबसे पहले आप पहचानो आपको क्या दिया हुआ है, dy by dx इज इक्वल टू 1 + y² देखो आपको क्या दिया हुआ है भाई, dy by dx आप तो ऐसे याद रखो कि इसके अंदर हमारे पास रिकार्टी इक्वेशन का इक्वेशन कैसे आएगा, dy by dx इज इक्वल टू p + qy + ry² के रूप में, और ये r जीरो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यहाँ क्वेश्चन क्या लिख के दिया है, 1 + y² यानी p की वैल्यू कितनी है 1, q की वैल्यू कितनी है कुछ नहीं दिखाई दे रहा तो 0, और r की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1। तो ये तो आ गया हमारे पास है p, q और r, यानी ये एक प्रकार से रिकार्टी इक्वेशन है। और साथ साथ क्या लिख रखा है कि टेन एक्स इज वन इंटीग्रल, या वन ऐसे भी दे सकता था कि वन पर्टिकुलर सॉल्यूशंस। तो हमारे को एक सॉल्यूशन क्या दे दिया, टेन एक्स हमारे पास एक सॉल्यूशन है जो गिवन है। तो आपने पिछले वाले इसको इसके टॉपिक में हमने क्या लिखा था, माना कि वाई इज इक्वल टू पी एक्स इसका एक ही सॉल्यूशन है। तो पी की वैल्यू आज हमारे पास क्या दे दिया, टेन एक्स इसके अंदर आ गया, ठीक है। तो अब हमारे पास वास्तव में क्वेश्चन की क्या बचना चाहिए इसके अंदर, कि एक गिवन सॉल्यूशन है और ये हमारे पास है रिकार्टी इक्वेशन है। तो पहले तो इस क्वेश्चन को यहाँ से देख के पहचानेंगे कि ये रिकार्टी इक्वेशन की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसके अंदर एक सॉल्यूशन हमको गिवन है। तो अब इसके लिखो प्रूफ के अंदर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। क्या लिखेंगे प्रूफ के अंदर, इट इज गिवन दैट, प्रूफ के अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, इट इज गिवन दैट द इक्वेशन लिखो, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो रिकार्टी इक्वेशन से, ताकि आपको ऐसा लगे, सॉरी एग्जामिनर को लगे कि आपको आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो इट इज गिवन दैट रिकार्टी इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y² रिकार्टी इक्वेशन इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 + y², ठीक है, ओके। और इसके अलावा और क्या दे रखा है, टेन एक्स इज वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन, हम क्या लिखेंगे, एंड इट इज गिवन दैट, ठीक है, इट इज गिवन दैट टेन एक्स इज इस टेन एक्स इज वन इंटीग्रल सॉल्यूशंस, वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1। फिर से इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। तो इट इज गिवन दैट टेन एक्स इज वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन 1। यानी एक प्रकार से हम इस टॉपिक को सोल्व किस प्रकार से करते हैं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन से गिवन है p, तो हम दूसरा सॉल्यूशन क्या लेके चलेंगे, p + 1/z। तुम क्या इसको क्या लिख दिया कि इट इज गिवन दैट टेन एक्स इज वन इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 1, सो वाई इज इक्वल टू पी प्लस, यानी p की वैल्यू क्या है, टेन एक्स प्लस वन बाई जेड इसको दे देंगे इक्वेशन 2, इज अनोदर सॉल्यूशन ऑफ रिकार्टी इक्वेशन,
इज अनदर सोल्यूशन ऑफ है रिकाटी इक्वेशन। यानी जब जब आपके पास कोई भी सोल्यूशन लिख के दें, देखो आगे आगे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर ये एक दिया गया एक सोल्यूशन भी अपने को खुद को पहचान करनी होगी, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। तो एक सोल्यूशन निकालने के बाद दूसरे सोल्यूशन में आप हर बार क्या ऐड करोगे, प्लस वन बाई जेड इज अनोदर सोल्यूशन ऑफ रिकाटी इक्वेशन, सो इट विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन वन। सो इट विल बी सेटिस्फाई, इट विल बी सेटिस्फाई इक्वेशन वन, ठीक है। सेटिस्फाई करेगा तो इसका निकाल दो, ये y है तो यहाँ y रखेंगे तो ये क्या चाहिए मेरे को, dy वाई बाई डी एक्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, dy वाई बाई डी एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x। वन अपॉन जेड का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इक्वेशन नंबर थ्री। अब हम क्या करेंगे, वाई एंड डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस इक्वेशन से वन के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, इसको लैंग्वेज लिखेंगे हर बार की तरह। तो क्या आ जाएगी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉल वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स, स्मॉल वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, फ्रॉम इक्वेशन से टू एंड थ्री, इन इक्वेशन वन वी गेट, इन इक्वेशन वन वी गेट। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई एंड डी वाई बटा डी एक्स फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इन इक्वेशन वन वी गेट। तो डी वाई बटा डी एक्स की वैल्यू रखो कितनी आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर इंटू डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, वन प्लस वाई, वाई की वैल्यू क्या है भाई, टेन एक्स प्लस वन अपॉन जेड, टेन एक्स प्लस वन अपॉन जेड का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, सोल्व करेंगे तो देखो ये तो इस साइड में रहेगा ऐसा कैसा, ठीक है भाई लिख लेना, ये तो रहेगा ऐसा कैसा, ये क्या हो जाएगा मेरे पास वन प्लस टेन, इसका क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स प्लस वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस टू टेन एक्स अपॉन जेड। देखो आप मेरे टू के अंदर और जेड के अंदर फर्क रखना भाई, कहीं एक आपको एक जैसे हो जाए कि ये भी टू लगे और ये भी टू लगे। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस टू ए बी। अब आपको पता है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है भाई, सेक स्क्वायर एक्स, आप लिख लेना साइड में, चूंकि वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर होती है भाई, ये छोटी सी बात है पता होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स। तो इस सेक स्क्वायर एक्स से ये इस साइड का सेक स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। तो इस वाले सेक स्क्वायर एक्स से हमने इस वाले सेक स्क्वायर एक्स से कैंसिल कर दिया। तो बताइए नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगी, बताओ भाई नेक्स्ट स्टेप मेरे पास क्या आ जाएगी इसके अंदर, साथ साथ अब ये माइनस जेड स्क्वायर इधर ले चलो, देखो साथ साथ ये मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ये सेक स्क्वायर एक्स है माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर डी जेड बाई डी एक्स। तो ये सेक स्क्वायर एक्स से सेक स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इस माइनस वन अपॉन जेड स्क्वायर को इधर लेके जाऊँगा तो ये कितना जाएगा, माइनस जेड स्क्वायर, इसको माइनस जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना बचेगा, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस जेड स्क्वायर आएगा तो ये बचेगा माइनस का एक, और यहाँ माइनस जेड स्क्वायर लिखूंगा तो माइनस का टू टेन एक्स जेड, माइनस का टू टेन एक्स इंटू जेड, क्योंकि एक जेड एक्स जेड से कैंसिल हो जाएगा, खुद से इसकी कैलकुलेशन सोल्व करेंगे। या फिर ये हमारे पास कितने आ जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस, इसको इधर लेके आओ, प्लस टू टेन एक्स इंटू जेड प्लस टू टेन एक्स इंटू जेड और इज इक्वल टू में क्या आ गया, माइनस वन, और इसे हम क्या नाम दे देंगे, इक्वेशन वन टू थ्री के बाद इक्वेशन नंबर फोर, इसको हमने क्या नाम दे दिया, ये इक्वेशंस क्या आ गई, फोर आ गई। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत है तो ऐसे चल करके आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स चलना है। अब ये इक्वेशंस पहचानो, इक्वेशन फोर हमारे पास क्या बन गई, हर बार की तरह ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, कौन से कोफिशिएंट्स के लिए, फर्स्ट ऑर्डर या सेकंड ऑर्डर के लिए, तो ये बन गई फर्स्ट ऑर्डर की। तो हम क्या लिखेंगे कि इक्वेशन से फोर इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर, वेयर वेयर
वेयर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी एक्स इज इक्वल टू, अब आप स्मॉल पी एक्स ले लेना क्योंकि कैपिटल पी क्यू आर क्वेश्चंस के माने जाएंगे, या आप कैपिटल पी क्यू आर भी ले सकते हो कि वेयर डायरेक्ट बोलोगे आप इंटीग्रल फैक्टर, आपको छोटी क्लास की तरह नहीं निकालना है, वेयर इंटीग्रल फैक्टर आई एफ, वेयर इंटीग्रल फैक्टर आई एफ इज इक्वल टू, ठीक है। अरे भाई वही बी एस सी सेकेंड ईयर वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, यहाँ हमारे पास वाई की जगह कौन आ गया, जेड आ गया, ठीक है। यहाँ हमारे पास वाई की जगह कौन आ गया भाई, जेड आ गया, तो इसका आई एफ हम कैसे निकालेंगे, ई की पावर इंटीग्रेशन से पी एक्स इंटू डी एक्स, और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू आई एफ इंटीग्रेशन से क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पी एक्स की वैल्यू कौन है हमारे पास, ये वाली, तो सीधा हम इंटीग्रल फैक्टर निकालेंगे, वेयर इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन से टू टेन एक्स डी एक्स, तो इंटीग्रल फैक्टर हमारे पास कितना आ जाएगा, ई की पावर टू टेन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब आपको इसका इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, तो ये हमारे पास आई एफ कितना आ जाएगा, ई की पावर टू बाहर ले लेंगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन होता है भाई लॉग सेक एक्स, याद रखना भाई टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन टेन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी होता है, पर यहाँ हमारे पास ऑलरेडी सी आएगा कॉन्स्टेंट, तो इसकी वजह से सी को लिखने की जरूरत नहीं है। कैसे करते हैं ये तो बताने की जरूरत तो नहीं है, वैसे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस एक्स बराबर टी, तो साइन एक्स डी एक्स डी टी, डी टी बटा टी इज इक्वल टू लॉग टी, तो ये कॉस एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बटा टी बचेगा, तो ये माइनस का लॉग टी आ जाएगा, या कॉस एक्स को इधर लेके जाएंगे वन अपॉन सेक एक्स, तो टेन एक्स का इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉग सेक एक्स आ जाएगा। अब देखो टू को ऊपर ले जाओ तो कुल मिला के आपके पास इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया भाई, सेक स्क्वायर एक्स, इंटीग्रल फैक्टर कितना आ गया, सेक स्क्वायर एक्स। सो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फोर, सो द सॉल्यूशन ऑफ ए, सो द सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से फोर इज गिवन बाई, फोर इज गिवन बाई, किस प्रकार से दिया जाएगा भाई इसका सॉल्यूशन, वाई इंटू आई एफ, वाई की जगह हमारे पास क्या चल रहा है, जेड, तो ये आ जाएगा जेड इंटू आई एफ, जेड इंटू आई एफ इंटीग्रेशन क्यू एक्स, तो आगे वाला पार्ट क्या है, क्यू एक्स की जगह माइनस वन, सॉरी इंटीग्रेशन पहले ऐसे लिख लो, इंटीग्रेशन से क्यू एक्स इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी। तो बताइए अपने पास आई एफ क्या है, सेक स्क्वायर एक्स, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है माइनस वन, और आई एफ की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो अब इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या आएगा, आप निकाल सकते हैं, या हमारे पास कितना बचेगा भैया, जेड सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, अब ये कैलकुलेशन बची आप खुद से कर सकते हो, माइनस को साइन छोड़ो, सेक स्क्वायर एक्स किसका, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, क्योंकि टेन एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता, तो इसका उल्टा क्या होता है, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास है माइनस टेन एक्स प्लस सी, माइनस टेन एक्स प्लस सी, देखो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है टेन एक्स, ये माइनस साइन हमारे पास क्या आ गया बाहर से आ गया, तो अपने को करना क्या है बस यही हमारे पास फाइनली आंसर आ गया। तो क्या बोल रहा है, सो दैट टेन एक्स इज वन इंटीग्रल ऑफ द इक्वेशन से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, एंड हेंस ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन इज इस फॉर्म में हमें लेके आना है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वन बाई जेड, देखो इसको तो इसके नीचे ले आओ, इस जेड को इसके नीचे ले जाओ। अब इक्वेशन टू याद करो, इक्वेशन टू क्या थी भाई हमारे पास है, वाई इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस एक बटा जेड, देखो ये था ना टेन एक्स एक गिवन सॉल्यूशन था, तो इसके अंदर वन बाई जेड जोड़ के इक्वेशन टू, ये हमारे पास इक्वेशन टू थी, तो वन बाई जेड की वैल्यू निकालो, तो वन बाई जेड की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी भाई, वाई माइनस टेन एक्स, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से यूजिंग इक्वेशन टू, यहाँ से हम क्या लिखेंगे भाई यूजिंग इक्वेशन टू, क्या आ जाएगी हमारे पास यूजिंग इक्वेशन टू, इसको तो रहने दो ऐसा कैसा, सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सी माइनस टेन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन जेड की वैल्यू कितनी बचेगी भाई, वाई माइनस टेन एक्स, कितनी बचेगी भाई वाई माइनस टेन एक्स,
तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया कि वन अपॉन, मतलब लास्ट में आपको फिर से इस वन अपॉन जेड की वैल्यू शिफ्ट कर देनी है वाई माइनस ही टेन एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब जो आपको प्रूफ करना है वो आप इसको प्रूफ ही कर सकते हो। बताओ भाई यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो देखो, अब आपको लास्ट में आंसर से मैच करने के लिए क्या करना होगा भाई। अब ये आ गया हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो आप अगर आप चाहो तो, कि इसको इस साइड से मल्टीप्लाई करो। देखो आगे कैलकुलेशन है, खुद से लिख सकते हो कि sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया, सी माइनस टेन एक्स इंटू वाई माइनस टेन एक्स, सी माइनस टेन एक्स इंटू वाई माइनस टेन एक्स, या sec स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी वाई माइनस सी टेन एक्स माइनस वाई टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इस टेन स्क्वायर एक्स को इधर ले आओ तो ये कितना बचेगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सी, एक जगह ले लो सी या वाई कॉमन ले लो इसके अंदर। देखो ये तो इधर आ गया, वाई कॉमन लेंगे तो ये कितना बचेगा, सी माइनस टेन एक्स और ये माइनस का सी टेन एक्स। अब बताओ sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या होता है, वन होता है, तो ये कितना बचेगा, वन इज इक्वल टू y इंटू सी माइनस टेन एक्स और माइनस का c टेन एक्स। एस माइनस सी टेन एक्स को इधर ले आओ तो ये कितना बचेगा, वन प्लस सी टेन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी माइनस टेन एक्स, तो यह आ जाएगा वन प्लस सी टेन एक्स, वन प्लस सी टेन एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू सी माइनस टेन एक्स। वेयर सी क्या है दिखा देना भाई, यहाँ भी इस क्वेश्चन में भी लिख के दे रखा है, वेयर सी बीइंग कॉन्स्टेंट, वेयर सी बीइंग कॉन्स्टेंट, और यही हमको क्या करना है भाई, प्रूफ ही करना है, ठीक है। यही अपने को क्या करना है, प्रूफ करना है। तो जब जब आपके पास रिकार्टी इक्वेशन के अंदर एक सॉल्यूशन लिख के दे टेन एक्स, तो तुरंत आप उसमें वन बाई जेड एड करके उसको बोलोगे ये अनोदर सॉल्यूशन है, डीवाई बटा डी एक्स निकल के रख देना, हर बार ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ठीक है, हर बार ये हमारे पास क्या आएगी भाई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अब देखो इसका कंपेयर करो एक बार पहले वाले टॉपिक की तरह, अब हम इसका क्या करेंगे, पहले वाले टॉपिक की तरह हम इसका कंपेयर करेंगे। तो अगर आपके ठीक ठीक याद हो तो उसके अंदर ऐसे आया था कि डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस टू आर पी, टू कैपिटल आर और स्मॉल पी इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस आर, ठीक है। यह आया था पिछले वाले टॉपिक के अंदर, देख लेना शायद इक्वेशन नंबर 6 या इक्वेशन नंबर 7 मिलनी चाहिए उसके अंदर। अब देखो हमारे पास इस क्वेश्चन में कंपेयर करो, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन प्लस वाई स्क्वायर, तो बताओ p की वैल्यू कितनी है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वन प्लस जीरो इंटू वाई प्लस वन इंटू आर स्क्वायर। तो रिकार्टी इक्वेशन है, कंपेयर करेंगे तो कैपिटल p कितना आ गया मेरे पास, वन, कैपिटल क्यों कितना आ गया, जीरो, और कैपिटल आर कितना आ गया मेरे पास, वन, ठीक है। और वहां छोटा पी क्या होता है, ये छोटा पी होता है गिवन सॉल्यूशन, व्हेन वन पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज गिवन, यहां क्या दे रखा है हमें, टेन एक्स दिया हुआ है, ये वैल्यू रखो इसके अंदर, तो ये कितना बचेगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, जीरो प्लस टू, आर की वैल्यू क्या है मेरे पास, वन इंटू पी की वैल्यू क्या है, टेन एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस आर की वैल्यू क्या है, वन। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, डी जेड बाई डी एक्स प्लस टू टेन एक्स इंटू जेड इज इक्वल टू माइनस वन। बताओ हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन फोर यही है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो हम चाहें तो ये फॉर्मूला लगा के सीधा लिख सकते हैं, बट अपने को एमएससी के रिटन एग्जाम के अंदर शॉर्टकट नहीं लिखना है, या आगे चल के फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आता है वहाँ ये शॉर्ट पूछ लिया जाता है कि इसका सोल्यूशन से क्या होगा, ठीक है। तो आपको ये मेथड्स अप्लाई नहीं करना है, अपने को बिल्कुल डिटेल से चलना है, पूरा का पूरा लिख के इसको दिखाना है। तो सबसे पहले कहेंगे कि इट इज गिवन दैट रिकार्टी इक्वेशन, एक सॉल्यूशन दिया है वन बाई जेड एड करके अनोदर सॉल्यूशन, वाई डी वाई बटा डी एक्स इसके अंदर रख दो, हर बार एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी और उसको बी एस सी सेकेंड ईयर की तरह आप इसे सोल्व कर लो।
तो ये हमारे पास है क्वेश्चंस नंबर दो था। अब आप क्वेश्चंस नंबर फोर बुक के अंदर आप क्या करोगे, क्वेश्चंस नंबर फोर एक जैसा है, देखो बुक के अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फोर और एक है इसके अंदर एग्जाम्पल नंबर थ्री। और देखो एग्जाम्पल थ्री इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। ये हमारे पास एक सेम टाइप क्वेश्चंस टू की तरह होंगे, ये हमारे पास क्या होंगे भाई, सेम टाइप है क्वेश्चन से टू की तरह, सेम टाइप होंगे क्वेश्चन टू की तरह। तो आप एग्जाम्पल थ्री को करके देखोगे, ऐसे नहीं कि आपने एग्जाम्पल में बुक से पढ़ लिया और ये आपके पास से सोल्यूशन बन जाएगा, ऐसे नहीं होगा। और क्वेश्चन फोर, और ये आपको पीडीएफ नोट्स में भी दिया हुआ है भाई, ये मैंने पीडीएफ नोट्स में लिख रखा है क्वेश्चन नंबर फोर। और आपको पता है पीडीएफ नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, अपने इसे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैथ्स बाय अंग्रेजी सर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप इसके डाउनलोड कीजिए, ठीक है। अगर आपके पास इसके पीडीएफ प्रोवाइड नहीं है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है, तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन से फोर हो जाएगा और एग्जाम्पल थ्री हो जाएगा, ठीक हमारे पास क्वेश्चन से टू की तरह। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस वगैरह के साथ, ठीक है भाई।